टीएसपीसी उग्रवादी संगठन को बड़ा झटका लगा। टीएसपीसी का 1 लाख का इनामी उग्रवादी संतोष गंजू ने हथियार डाल दिए है। रांची में पुलिस और सीआरपीएफ के सामने उसने सरेंडर किया। छोटे कद के इस उग्रवादी की अपने संगठन टीपीसी में बड़ी पैठ थी। संतोष गंजू के नाम से कभी रंगदारी की वसूली की जाती थी और लोग इसके नाम से खौफ खाते थे। ये सालों से लगातार संगठन के लिए काम कर रहा था, कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था और कई कांडों में वांछित था। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था, लेकिन शुक्रवार को इसने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। सरकार की ओर से इसे तत्काल सरेंडर की राशि 1 लाख रुपए भी दी गई। सरेंडर पॉलिसी के तहत दी जाने वाली सारी सुविधाएं इसे जल्द ही मुहैया कराई जाएंगी। आदमी लगातार जो है उसका थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने जो है इनके परिवार वालों से संपर्क किया। सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब और डिप्टी कमांडेंट विवेक साहब, इन लोगों ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और लगातार उसके परिवार से हम लोग जो है उसे मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कहते रहे। अल्टीमेटली ये इसने स्वीकार किया। ये हमारे 2 कांडों में वांछित था। रांची जिला के घटनाएं बहुत सारी थी इसमें शामिल था, लेकिन हमारे देश का एक नौजवान जो कि भटका हुआ था, नक्सल गतिविधि में संलिप्त था और उसके परिवार और हम लोगों के प्रयास से आज उसने शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उसको जो भी सुविधाएं शासन द्वारा दी जा सकती है वो हम लोग देने का प्रयास करेंगे। संतोष ने सरेंडर के बाद उग्रवादी संगठन की कमियों को बताया। उसके अनुसार परिवार के लोगों ने उसे सरेंडर के लिए प्रेरित किया। इसके साथ उसे आत्मसमर्पण के लिए पुलिस अधिकारियों से भी प्रेरणा मिली। उसने मुख्य धारा में लौटने के बाद समाज के लिए काम करने और संगठन के अन्य लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। जब आप टीपीसी संगठन में थे, 2 साल काम किए एक सदस्य के रूप में और बाकी हमको रहने का दिल नहीं किया। उसके बाद छोड़ छाड़ के अपना घर परिवार लेकर हम अपना बाहर चले गए राजस्थान। अपना बाल बच्चे के साथ अपना जिंदगी जीवन बसर करना चाहते हैं। कहाँ रहते थे? राजस्थान में रहते थे सर। राजस्थान में रहते थे। जी। कहाँ एक्टिव थे? झुंझुनू जिला था सर। जी, उसमें एक रेडू फार्म कंपनी का नाम था, वही फार्म में हम शरण ले रखे थे। संगठन में किधर एक्टिव थे? बस सर ये अपने जिला रांची जिला तरफ थे। बस एक फौज के रूप में थे सर। इस पूरे अभियान में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के दूतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब तक कई कांडों में लिप्त रहे इस उग्रवादी की गिरफ्तारी को पुलिस और सीआरपीएफ एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। साथ ही ये उम्मीद की जा रही है कि कई अन्य उग्रवादी भी अब सरेंडर करेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।